दोस्तों, एक बहुत ही पक्की न्यूज़ आई है दोस्तों। अगर वो न्यूज़ को इंप्लीमेंट कर दिया गया तो 5 रुपया का शेयर रॉकेट बन जाएगा। हाँ दोस्तों, 5 रुपया का शेयर रॉकेट बन जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूज़ बताने से पहले मैं आप लोगों को बताया कि एक दिन पहले हमारे यूट्यूब चैनल में बता दिया जाता है कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है। तो वो कौन सी न्यूज़ है दोस्तों जो 5 रुपये के शेयर में, मतलब 5 रुपीज़ के शेयर में बहुत बड़ा जो है भूकंप ला सकता है? तो वो है दोस्तों वोडाफोन आइडिया का। गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है इसके ऊपर। बताया गया है दोस्तों कि जितना वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो है बताया गया था कि एक सप्ते के अंदर जितना भी इसके ऊपर जो डैमेजेस है वो देना ही पड़ेगा। लेकिन अब गवर्नमेंट बोल रही है कि दोस्तों नहीं, इसको जो है 10 सालों का टाइम दिया जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, 10 सालों का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने साफ साफ बोल दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड में कि हम कंपनी को बंद कर रहे हैं। साफ साफ बोल दिया गया दोस्तों वोडाफोन आइडिया की तरफ से। तब जाके गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि 10 सालों का टाइम देंगे, और उसके ऊपर और भी सारे ऑफर्स दिए गए हैं। जैसे कि देखिए, वोडाफोन आइडिया के ऊपर अगर मान लेते हैं कि 100 रुपया का कर्ज है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, 100 रुपीज का कर्ज है, ठीक है। लेकिन वो 100 रुपीज का ओनली जो है इनको ये देना है, ठीक है, वो कैपिटल। लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट इनका जो है 3 गुना हो चुका है। 3 गुना मतलब कि 100 रुपीज इनको देना है, अब टोटल हो गया 300 रुपीज, ठीक है। तो 200 रुपीज इंटरेस्ट है। तो जितना दोस्तों इनको ब्याज भरते भरते मतलब कंपनी खाली हो जाएगा, तो छोड़िए। तो गवर्नमेंट ने बोला दोस्तों, आपको ब्याज जो बोलते हैं शुद्ध हिंदी में ब्याज इंटरेस्ट, वो नहीं देना पड़ेगा आप लोगों को। इस वजह से शेयर में देख सकते हो इतनी लंबी रैली आई। और दोस्तों वोडाफोन आइडिया, ये हमारे भारत के लिए बहुत ही एक प्राउड न्यूज़ है कि कोई टेलीकॉम सेक्टर हमारे इंडिया में से बंद नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे भारतीयों लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसी न्यूज़ के वजह से रिलायंस में अच्छा खासा जो है रिजल्ट आया, फिर भी उसके शेयर में गिरावट देखे गए। क्यों? क्योंकि दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर ज़्यादा जो है फोकस किया जा रहा है, गवर्नमेंट को वहाँ से ज़्यादा जो है इंटरेस्ट मिलता है। तो गवर्नमेंट ऐसी कंपनी पर ज़्यादा फोकस कर रही है। बजट आने के पहले ही इन्होंने वोडाफोन को वार्निंग दिया था, लेकिन अब ऑफर दिया है, पहले वार्निंग फिर ऑफर। तो अब वोडाफोन आइडिया दोस्तों बंद नहीं होने वाला है। तो जिन्होंने खरीदा है जरूर होल्ड करके रखेगा, बस इस न्यूज को इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। आज के डेट में देख सकते हो 22% मतलब 22.68% का तेजी है एक दिनों के अंदर। हो सकता है दोस्तों आने वाले दिनों में और भी अच्छा रैली देखा जाए जिस दिन इसका न्यूज को इंप्लीमेंट कर दिया गया। लेकिन एक यहाँ पर दोस्तों कॉम्पिटिटर को एडवांटेज मिल रहा, वो एडवांटेज क्या है? अगर वोडाफोन आइडिया को कुछ होता है तो सबसे ज़्यादा कस्टमर किसके पास जाएंगे? एयरटेल के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि एयरटेल का जो सुविधा है वो हर एक जगह पर, मतलब कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है जियो से, लेकिन दोस्तों उसका जो सुविधा है हर एक जगह पर अच्छी तरीके से अवेलेबल है। अगर आप कहीं पर भी वीडियो चलाओगे तो थोड़ा सा अच्छा है, जैसे रेदर देन जो जियो का है उससे तो अच्छा है करके, ठीक है। उसी वजह से यहाँ पर देख सकते हो, मैंने 4 दिन पहले वीडियो में बनाया था, इस वीडियो में बनाया था और बताया था कि भारतीय एयरटेल दमदार प्रॉफिट की जोरदार तैयारी। मतलब कि दोस्तों 475 के रेट पे ही बोला था, जैसे कि मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होते ही बोला कि हमारे यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले बता दिया जाता है। तो मैंने आपको एक दिन पहले बताया था, ये किस लिए? क्योंकि दोस्तों समझो, अगर एक भी टेलीकॉम जो सेक्टर अभी लेटेस्ट प्राइस आने वाला है वो, एक एक मिनट दोस्तों, तो अगर किसी भी टेलीकॉम सेक्टर में से एक भी कंपनी अगर बंद होती है तो दूसरे को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। क्यों? सोचो, जितने भी कस्टमर हैं और जितना भी उसका सब्सक्राइबर सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, सब उसकी के साइड में चले जाएंगे तो कितना प्रॉफिट होगा उसको, मतलब जितना पहले होता था वो, और जो इनके कस्टमर है वो, मतलब डबल हो जाएगा। डबल का मतलब सोच रहे हो दोस्तों, शेयर में बहुत ज़्यादा तेजी आ जाएगा। और ये देखिए, मैंने ये वीडियो बनाया था और साफ साफ बोला था आपके सामने। तो जैसे ही ये न्यूज़ आई थी वोडाफोन आइडिया के बारे में, मैंने एयरटेल के ऊपर वीडियो बनाया था और बोला था दोस्तों एयरटेल में जम के खरीदारी कीजिए, कुछ हो चाहे ना हो आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा, ठीक है। और सबसे पहले प्रूफ के तौर पे मैं आपको डेट दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों। बहुत लोग देख चुके हैं ये वीडियो, लेकिन ये जो है वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड है। यहाँ पर देख सकते हो 17 जनवरी को मैंने ये वीडियो बनाया था, और साफ साफ देखिए दोस्तों, बहुत लोग ऐसे हैं जो आज के डेट में वीडियो बनाएंगे कि यस बैंक का प्राइस इतना गिर चुका है, इन्फ्राटेल का प्राइस इतना अप हो चुका है,
हो चुका है, आपको आपको क्या फायदा, उससे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, तो आपको पहले पता रहना चाहिए। तो देखिए ये वीडियो मैंने पहले बनाया था। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन सा स्टॉक का जो प्राइस है आने वाले दिन में इंक्रीज होने वाला है और वो अच्छा ही प्रॉफिट नहीं, मतलब तो देखिए मैंने साफ साफ बोला दोस्तों ये वीडियो में कि मैं वो बताने जा रहा हूँ कि कौन सा शेयर का प्राइस आने वाले दिनों में इंक्रीज होने वाला है, मतलब फ्यूचर, अगर आज आप खरीदोगे तो आने वाले दिनों में आपको अच्छा प्रॉफिट गेन होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट हो जाने के बाद, जैसे वोडाफोन आइडिया में आज 22% का अपर सर्किट लग चुका है, तो आज बहुत लोग वीडियो अपलोड मार के बताएंगे कि आज वोडाफोन आइडिया में 22% का अपर सर्किट देखा जा रहा है। आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, सब लोग देख सकते हैं, बच्चे बच्चे देख सकते हैं। तुमने अगर पहले इन्फॉर्म किया होता तो आज वो प्रॉफिट 22% आपके हाथ में रहता। बहुत अच्छा, मतलब बेहतरीन प्रॉफिट आप लोगों को निकाल के देने वाला है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के तरीके से रखते हैं दोस्तों, तो वो आपको अच्छा से भी अच्छा प्रॉफिट देगा, ठीक है। अगर आपने नई खरीदारी किया है तो जम के खरीदारी कीजिए, ठीक है। और वो स्टॉक तो देखिए मैंने ये भी बोला कि अगर आपने नहीं खरीदारी किया तो जम के खरीदारी कीजिए। आप लोगों के सामने देख सकते हैं दोस्तों, भारती एयरटेल, जो अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो करंट प्राइस है और जो अभी लेटेस्ट प्राइस, तो एक मिनट दोस्तों, इसका जो करेंट प्राइस है यहाँ पर देख सकते हैं, भारती एयरटेल का 473 रुपीज़ है, ठीक है, 473 रुपीज़ है। और आज के डेट में देख लेते हैं कितना चल रहा है इसका करेंट प्राइस, आपके सामने है यहाँ पर देख सकते हो, 511.75 चल रहा है, मतलब कि जब मैंने बताया था तो 473 था, और अभी देख सकते हो दोस्तों कम से कम तो 40 पॉइंट इंक्रीज हो चुका है, 40 पॉइंट। और हाईएस्ट क्या हमारा है वो भी चेक कर लेते हैं, तो हाईएस्ट 15 तक गया है दोस्तों। तो कुछ भी होता है तो आपको एयरटेल में एडवांटेज देखा जाएगा। और ये तो कुछ नहीं है, हमारे वीडियो में आपको आज सुबह ही दो स्टॉक का नाम बताया गया जिसमें आपको बेहतरीन प्रॉफिट हुआ है, नजर आया है, यहाँ पर देख सकते हो मैंने साफ साफ लिखा है दोस्तों, ये टेलीकॉम का शेयर जैकपॉट शेयर बनने को तैयार, ये टेलीकॉम का शेयर। और आज देख सकते हो आइडिया, चाहे ले लो एयरटेल, चाहे इंफ्राटेल भी ले लो, टेलीकॉम के अंडर में ही वो आएगा आसपास में, तो उसमें भी देख लो कितना अच्छा आपको जो है प्रॉफिट नज़र आया है। तो अगर आप हमारे साथ जुट के काम करते हो तो सोचिए आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अभी दिखाते आऊँ मैं थोड़ा सा, हाँ एक मिनट दोस्तों, ये ठीक है, ये देख लीजिए, जस्ट डायल, मैंने सुबह में ये वीडियो अपलोड किया, देखिए 8 आवर्स पहले, ठीक है, ये वीडियो में मैंने बोला जस्ट डायल को खरीदने के लिए कौन से रेट पे, और अभी देखिए कितना रेट चल रहा है। हेलो दोस्तों, आज हम तो मैंने उस वीडियो में बोला था दोस्तों कि जस्ट डायल का जो है प्राइस इंक्रीज होगा, तो यहां पर आप देख सकते हो जस्ट डायल का परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ओपन हुआ था दोस्तों 567 पे, ठीक है, हाईएस्ट गया था 92 पे, ठीक है, जो लोएस्ट है हमें वो चेक करना है, ठीक है, तो इसका जो लोएस्ट है 60 है, और अभी जो करंट मार्केट प्राइस जो है बंद हुआ है दोस्तों 75 है, तो जो भी है प्रॉफिट में ही बंद हुआ है, मतलब जो भी है प्रॉफिट में ही बंद हुआ, लॉस तो नहीं हुआ है। और जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ क्वेश्चन के तौर पे, ठीक है, क्या आपको पता रहता कि टेलीकॉम सेक्टर में अच्छा से अच्छा रैली आ सकता है, तो क्या आप उसको पहले से पकड़ के रखते कि नहीं, मेरा मतलब पहले से आप उसको खरीद के रखते कि नहीं अपने पोर्टफोलियो में रखते, और तब जाके आपको शाम तक अच्छा से अच्छा प्रॉफिट होता है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने एयरटेल के बारे में पहले भी बताया, और फिर देखिए ये आपके सामने जस्ट डायल में भी थोड़ा प्रॉफिट हुआ, एक दिन में जो भी प्रॉफिट हुआ हुआ, ठीक है। उसके बाद ये देख सकते हो दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर के, मैंने ये भी देख सकते हो लेट, मतलब कि दोस्तों मार्केट ओपन होने से पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, अभी देखिए आपके सामने मैं प्ले करता हूं, और बताया था मैंने खरीदने के लिए कि नहीं, वो भी प्रूफ के साथ देख लीजिए स्टॉक का प्राइस, एक मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डेट भी दिखा देता हूं, तो यहां पर आज देख सकते हो आज ही का डेट है यहां पर शो हो रहा है, ठीक है, तो अभी आपके सामने देख लीजिए। देख लो स्टॉक का प्राइस जो है भागे जा रहा है, किसी का हाथ भी नहीं आ रहा है। और आज के डेट में यहाँ पर देख सकते हो, ये जो हाईएस्ट बनाया था 512 का, ठीक है, तो ये था एक दिन पहले पहले बताया था, ठीक है। तो मैं जो भी बताता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए बताता हूँ, ये नहीं कि मैं आज के लिए बता दिया, कुछ लोग इंट्राडे कर लेते हैं, वो गलत है, इंट्राडे मत किया करो यार, वो गलत है, ठीक है। तो ठीक है, आज मैं जो स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका भी प्राइस इंक्रीज हो रहा है, वो भी दमदार प्रॉफिट देगा आप लोगों को आने वाले दिनों में। अगर आपने नहीं खरीदा है तो आप खरीद भी सकते हो, ठीक है, जम के, ठीक है। तो वो कौन सा स्टॉक है, तो दोस्तों वो है भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल। तो आप सोचेंगे कि आप लोगों के, तो इतना ही काफ़ी है दोस्तों इंडिकेट करने के लिए किसी को, ठीक है। मैंने जब इसका प्राइस चल रहा था दोस्तों 575, तब भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया, जब ये 550 के प्राइस में, सॉरी 450 के प्राइस में जब ये चल रहा था तो भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया, और जब दोस्तों ये 508 रुपीज़ के आसपास चल रहा था तो भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया।
और फाइनली आपके सामने रिजल्ट है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मार्केट पॉजिटिव में बंद हुआ है। एयरटेल का देख सकते हैं जो शेयर है वो पॉजिटिव में बंद हुआ है, और इसने जो हाईएस्ट मारा है वो भी बहुत अच्छा मारा है। यहाँ पर देख लीजिए 515 तक मारा है। तो और क्या चाहिए, मैंने बोला था खरीदारी करने के लिए, अगर स्टॉक नीचे जाता है तो और जम के खरीदारी करना है। तो ये है परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, जहां पर आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन दिया जाता है एक परफेक्ट तरीके से। और अगर आप हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। लेकिन नंबर नोट करने से पहले कुछ कंडीशन है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं मुझे डेमो चाहिए, सैंपल चाहिए, ट्रायल चाहिए, जो भी चाहिए। आपके लिए यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो। अगर उसके बाद आप सेटिस्फाई हो तो आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। ये जो नंबर है ये देख लीजिए, ये व्हाट्सअप का परमानेंट नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। उसके बाद ये जो नंबर है ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाले वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा। और अगर आप हमारे सारे वीडियोस के साथ पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। आप अपने यूट्यूब में जाइए और सर्च बार में सर्च मारिए परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट। देखिए मेरा ऑलरेडी आ चुका है, तो यहां पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने ये आइकॉन आ जाएगा। यहां पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वीडियोस आ जाएगा। ठीक है, वीडियोस में आप जैसे ही जाइएगा आपके सामने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए जस्ट डाइल, आज जो 8 आवर्स पहले मैंने वीडियो अपलोड मारा उसमें आपका प्रॉफिट हुआ। ये देख सकते हो, ये टेलीकॉम सेक्टर के बारे में बताया। आज की हाल तो आपको टेलीकॉम सेक्टर में पता है कितना ज़्यादा जो है ऊपर गया है। और उसके बाद कल का वीडियो भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जुबलिन फूड का एक दिन पहले मारा था, जुबलिन फूड में भी आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ। और रिलायंस का मारा था तो दोस्तों मैंने साफ साफ बोला था कि 600 का लेवल जो है जरूर तोड़ेगा। दोस्तों 1609 रुपीज तक गया था, उसके बाद जो है स्टॉक में गिरावट आई थी। तो मतलब जो टारगेट था वो जो है अचीव हो चुका है। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर देख सकते हैं जो मैंने वीडियो अपलोड मारा था, यहां पर आप देख सकते, यहाँ पर आप देख लीजिए 4 दिन पहले, मतलब कि दोस्तों मैंने शुक्रवार को वीडियो अपलोड मारा था, भारतीय एयरटेल को बाय करने के लिए बोला था, इसमें भी आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो सारे स्टॉक में आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, आपके सामने वीडियोस हैं। पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए, अगर आपके पास एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।